वेलकम बैक व्यूअर्स, मेरे साथ मौजूद हैं मेनाज रहमान, रेजिडेंट डायरेक्टर औरत फाउंडेशन से इनका ताल्लुक है और आज हम उनसे बात करें विमेंस राइट के ऊपर। विमेंस राइट की क्या अहमियत है और कैसे औरतों को कॉन्फिडेंट होना पड़ेगा, लिटरेसी लेवल कितना बढ़ना चाहिए, इन सब पे हम बात करें। फिलहाल जो भी मैंने ब्रेक से पहले बात करी थी, मेड्स के ऊपर हम बात कर रहे थे कि मेड्स भी इंसान होती हैं। आप मेड्स को एक देखिए, कोई ज्यादा लिबरल भी नहीं होना चाहिए क्योंकि फिर वो भी होता है कि सर पे चढ़ना शुरू हो जाती है, लेकिन आप इतने बदतमीज भी ना हो जाए कि आपके बच्चे भी उनसे बदतमीजी करें। आप खवातीन, मैं समझती हूँ खवातीन औरत को तो ये सोचना चाहिए कि वो एक गरीब औरत काम कर रही है। देखिए, इसमें जो हमारे माशरे में मजमूई तौर पे डी जनरेशन या इन्हतात जो है ना, जो उसका पार्ट है, अगर आपको याद हो, पता नहीं आप लोगों कोर्स में, हमारे दौरान जब हम बच्चे थे तो हमारे कोर्स में सर सैयद का वाकया था कि उन्होंने एक नौकर से बदतमीजी की थी, तो उनकी अम्मा ने उनको वो घरों में कोठरियाँ बनी होती ना हवेलियों में, उसमें बंद कर दिया था कि जब तक तुम उस नौकर से माफी नहीं मांगोगी। तो देखिए, ये ट्रेनिंग जो है ना घरों से आती है। अब हमारे यहाँ क्या ट्रेनिंग है कि वो टीचर से बदतमीजी करो, उसे हम ट्यूशन के हजारों रुपए दे रहे हैं, तुम बेशक बदतमीजी कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बदतमीजी करनी, आप सही बात कर रही हैं, तरबियत नहीं है। देखिए, ये नहीं कि मैं टीवी पे बैठ के ही बात कर रही हूँ। ऑनेस्टली, मैंने ये रूल रखा हुआ है कि हमारे पूरे घर में, मैंने अपने वालदेन से सीखा, माई फादर इज एन एक्स आर्मी ऑफिसर, तो हमें हमारे घर बैटमैन होते थे, सब होते थे, लेकिन हमें इजाजत नहीं थी कि उनके नाम से उनको बुलाएं या उनसे बदतमीजी करें या अपने जूते उनको दें पॉलिश करने के लिए। इवन मेरे फादर ने कभी उनको जूते पॉलिश करने के लिए नहीं दिए थे। घरों में सिखाया जाता है ना। अच्छा, अब मेरे घर मासियां हैं, सब कुछ है, मेरी बेटियों को पता है उनको क्या कह के बुलाना। मेरी 1.5 साल की बेटी भी, हालांकि मैं सारा दिन बच्ची जो मेरे घर काम करते हैं उनको नाम से बुलाती हूँ, लेकिन वो मेरी बच्ची उसको आपा ही बोलती है, मेरे ड्राइवर को वो भाई बोलती है। मतलब ये चीजें सिखाई जाती है, तरबियत होती है हमारे यहाँ। आप यकीन करें कि मैंने देखा है, मैं उस दिन भी ये बात करी थी मेनाज के, जब मैं बच्ची को स्कूल छोड़ी होती हूँ तो चौकीदार जो सलाम करते हैं, हमें पता होता ना, हम अब निकलते हुए भी सलाम करें, आते हुए भी सलाम करें। आजकल बच्चों को ये तालीम नहीं दी जाती हमारे जमाने में दी जाती। तो क्या अगर ये स्कूल की मासी है तो इससे बदतमीजी करो क्या? सलाम करना जरूरी थोड़ी। अब चौकीदार जब बच्चे को ग्रीट कर रहा है, एक अच्छी बात है, तो आप बच्चे को भी ये तमीज सिखाएं कि वो भी आगे से उसको अस्सलाम वालेकुम बोले, खुदा हाफिज़ बोले। ये जो आप बात कर रही ना, इसके पीछे पूरी पाकिस्तान की हिस्ट्री है। पाकिस्तान की हिस्ट्री ये है कि यहाँ ना करप्शन के जरिए लोगों के पास पैसा आ गया। देखिए, जो शरीफ खानदानी लोग थे, रजे में लोग, खाते पीते लोग नहीं करते। वो मतलब जब वो आए थे तो अपने साथ शराफत और वैल्यूज लेके आए थे, लेकिन जिन्होंने करप्शन के जरिए पैसा कमा लिया ना, इसमें मुमताज मुफ्ती का एक बहुत खूबसूरत अफसाना है कि वो वहाँ से आते हैं तो एक नवाब फैमिली है, वो यहाँ के कोई क्लेम नहीं करते और वो बेचारा चने बेच रहा है जो कि वहाँ नवाब थे, और वो एक बहुत बड़ी गाड़ी में आते हैं और उसको ठोकर मारता है, वो ना टक्कर मारता है, गुजर जाते हैं। तो वो जो कहानी सुना रहे, वो कहते हैं ये नौकर का बेटा जो आज अमीर हो गया और गाड़ी चला रहा है और लोगों को टक्करे मार गुजर रहा है, और वो जो वहाँ खानदानी लोग थे वो आज यहाँ चने बेच। आप ये भी तो देखे ना, पैसा तो आने जाने वाली चीज है, ये भूल जाते हैं। गरूर करने का क्या आपको मिलेगा, मुझे तो समझ नहीं आती। बड़े बड़े कारून का क्या हर्ष है, वो कारून का खजाना मशहूर था ना। अच्छा, मुझे बताएं, इस साल औरत फाउंडेशन की रिसर्च रिपोर्ट ने तशद्दुद केसेस में एक कोई केस ऐसा बताएं, आपके पास तशद्दुद केसेस आते होंगे, तो क्या आप समझती हैं कि लोगों में इतनी अवेयरनेस आ गई कि वो अब भर चढ़ के आते हैं आप फाउंडेशन में और अपने केसेस को चाहते हैं कि वो सामने आए? अब उसमें यही है कि जिनको मतलब नॉलेज होता है कि हमें यहाँ जाना चाहिए, वो पहुँचते हैं। और यहाँ फिर दूसरे जगह पे, जैसे पिछले दिनों जस्टिस नासिर असलम जाहिद के पास कोई केस आया इंटीरियर सिंह से, तो उन्होंने कहा कि भाई मैं तो इंटीरियर सिंह में हमारे ऑफिस ही नहीं, और आपने हमारे पास रिपोर्ट भी है कि तशद्दुद केसेस इस दफा बढ़ गए हैं। वो हम प्रिंट मीडिया से लेते हैं, वो हम डेटा जो है ना प्रिंट मीडिया से। तो आपके ख्याल में बढ़ गए तशद्दुद के केसेस? वो तो बढ़ ही रहे हैं, हर साल इजाफा ही हो रहा है, कम नहीं हो रहा, क्योंकि माशरे में मुझे ये समझ नहीं आती मनाज के इतने फाउंडेशन, इतने एनजीओ आ गए हैं, तब भी ये चीजें बढ़ती जा रही हैं। अब इसमें देखिए, ओवरऑल जब तक सोसाइटी में बेहतरी नहीं आएगी, तो किस शोबे में आप मोस्टली क्या तशद्दुद सामने आपके केसेस क्या ज्यादातर देखती हैं? ये सिंध रेशो क्या है? सिंध में तो बुनियादी कारोकारी है, पंजाब में कत्ल ज्यादा है, कत्ल। और सिंध में जो एक और है वो फ्री विल मैरिजेस के रेप केसेस, नहीं रेप और गैंग रेप भी है, लेकिन जो ज्यादा केसेस हमारे पास आते हैं वो होते हैं कि जो लड़का लड़की अपनी मर्जी से शादी करते हैं और फिर घर वाले उन्हें
कारी और कारा करार दे के ऑनर किलिंग मार देते हैं, कोशिश करते हैं मारने की, वो बच के इधर आ जाए हमारे पास तो बच जाते हैं। फिर आप लोग उनको कैसे हेल्प आउट करते हैं? उसमें हम लीगल प्रोटेक्शन, हम लॉयर्स से उनका रابطہ कराते हैं जो हमारे यानी कॉन्टेक्ट्स में है, जो कि मुफ्त केस गरीबों के लड़ते हैं उनके पास हम भेजते हैं। फिर पना शेल्टर हाउस है, लेकिन वो ये है कि वहाँ सिर्फ 3 महीने और वो भी औरत को रख सकते हैं। अच्छा। एक हमारे यहाँ शेल्टर हाउसेस की बहुत कमी, बहुत कमी, आप समझती हैं होने चाहिए, बहुत होने चाहिए। हमारी जो डिमांड है, हम तो कहते हैं हर डिस्ट्रिक्ट में एक शेल्टर हाउस। देखिए ईदी होम्स तो है, लेकिन उसके अलावा पूरा नहीं कर सकते ना, तो कम एक अनार सौ बीमार, वो बहुत काम कर रहे हैं, एक अनार सौ बीमार है ना, वो बेचारे एक ईदी साहब वो माशाल्लाह अल्लाह उन्हें जिंदगी दे। फाउंडेशन ने अभी तो कोई प्लान नहीं किया ऐसा कि कोई शेल्टर होम्स बनवाए? वो तो हमने नहीं किया, लेकिन जो गवर्नमेंट के हैं उनके लिए हमने अभी हमें एक ग्रांट प्रोजेक्ट भी मिला है, तो उनकी बिल्डिंग्स को बेहतर बनाने के लिए हमने ग्रांट। तो आपकी फाउंडेशन की क्या मतलब कैसे प्रोसीजर है कि कैसे आके लोग अपना केस रजिस्टर कर सकते हैं और काउंसलिंग होती है, क्या होता है? हमारे पास जो लॉयर हैं वो काउंसलिंग भी करते हैं, जो हमारी ये जो वायलेंस वाली टीम है वो भी काउंसलिंग करती है, लेकिन फिर हम आगे रेफर करते हैं रेलेवेंट शोबों में, रेलेवेंट एनजीओस में, जहां उनको सही मदद मिल सके। अच्छा, आपके ख्याल में अभी तक आप एक्सपीरियंस हैं इतनी माशाल्लाह से, तो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो वुमेन इश्यूज़ के हवाले से बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और कामयाब हुए हैं, तो आपको लगता है कि अभी इस चीज़ को रखना चाहिए और बनने चाहिए ऐसे एसोसिएशन या ऑर्गेनाइजेशन ऐसे होने चाहिए? हाँ, मेरा ख्याल है रूरल एरियाज़ में ज़्यादा ज़रूरत है कि वहाँ तालीमी एनजीओ जो तालीम के शोबे में काम करें उनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि देखिए जब तक तालीम आम नहीं होगी, शोर नहीं आएगा, लोगों को अपने राइट्स का नहीं पता चलेगा। इसी से लिंक करते हुए मैं एक जो बहुत ज़रूरी बात है, डोमेस्टिक इश्यूज़ जो होते हैं हमारे घर में, जो औरतों को मारा जाता है, उन पर वायलेंस होता है, सास भी अगर कहीं कहीं सास ससुर मार रहे होते हैं, ऐसा होता है, तो उनके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, उसमें एक कोशिश हुई थी 2009 में, कौमी असम्बली ने डोमेस्टिक वायलेंस के खिलाफ बिल पास कर लिया था, लेकिन जब वो बिल सेनेट में गया तो मर्द हजरात ने, मतलब ख़ास जहनीत वाले मर्द हजरात ने इतनी मुखालफत की कि उसे सेनेट में पेश ही नहीं होने दिया, वो लैप्स हो गया। अच्छा, अब हम लोग उसके लिए फिर कोशिश कर रहे हैं। अब हुआ ये कि 18वीं तरमीम आ गई है ना, तो 18वीं तरमीम के बाद ये जो शोबे हैं इस तरह के कानून बनाने के, ये सूबाई असम्बलियों के पास आ गए, तो अब हम सूबाई असम्बलियों से रबते में हैं और हमारी पूरी कोशिश है, और बल्कि ये जो मिनिस्टर ऑफ वुमेन डेवलपमेंट हैं तौकीर फातिमा, उनकी भी हमें पूरी कोऑपरेशन हासिल है, वो भी हमारे साथ इसमें कोशिश कर रही हैं। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि अब डोमेस्टिक वायलेंस के खिलाफ बिल बन जाए, ताकि अगर कोई घर में मारपीट हो, क्योंकि अभी तो ये होता है कि वो बेचारी अव्वल तो छुपाती हैं, और अगर पुलिस के पास जाती हैं तो पुलिस कही बीबी ये तो आपका घरेलू मसला है, वो FIR तक दर्ज नहीं होती, लेकिन अगर ये कानून बन गया तो फिर तो जाहिर है कि सजा भी मिलेगी। लेकिन देखिए ना, वही बात मैंने फिर से दोबारा कहूंगी कि माशाल्लाह माशाल्लाह इतनी, अगर हम पॉजिटिव साइड देखें तो अब लड़कियां बहुत अवेयर हो चुकी हैं, और अब हर फील्ड में लड़कियां बहुत कॉन्फिडेंटली आके काम करना शुरू हो जाती हैं, और उनको कोई टेंशन नहीं होती कि कोई हम पे क्या बात करे, अब लड़कियां केयरफ्री सी हो गई हैं, ऐसा है कि नहीं? कॉन्फिडेंस तो आया तालीम की वजह से आया ना, तालीम है और जॉब भी, लेकिन उसमें मतलब ये हमें वन साइडेड नहीं होना चाहिए, हमें ये सोचना चाहिए कि जो भी जिस भी पोजीशन में है वो इंसाफ से काम करे। बिल्कुल। अब ये नहीं कि अगर एक औरत किसी हाई पोजीशन में है तो वो अब उसका नाजायज फायदा उठाए, जिस तरह से मर्दों ने सदियों से उठाया, तो हमें वो नहीं करना है। अगर हम उन पोजीशन पर आएंगे तो इंशाल्लाह हम इंसाफ करेंगे औरतें, इसलिए हम कहते हैं कि अब औरतों के हाथ में दे दें बागदौर, मर्दों ने इतनी जंगें लड़ी और इतने खूनरेजी की, अब औरतों के हाथों में दे दें सब कुछ, तो इंशाल्लाह अमन भी रहेगा। अच्छा, आप रूरल एरियाज की अगर हम बात करते हैं तो आपका फाउंडेशन रूरल एरियाज में भी काम करता होगा, वहाँ ज्यादातर क्या प्रॉब्लम आती है औरतों के लिए? कारोकारी से अलग हम बात करेंगे, ज्यादातर क्या प्रॉब्लम आती है? मोबिलिटी का मसला है, हेल्थ के हेल्थ फैसिलिटीज नहीं है अक्सर, तो वो डिलीवरी वगैरह के बड़े मसले आते हैं। आपके ख्याल में वहाँ क्या चीज़ों की ज्यादा जरूरत है? सबसे पहले तो ये उनकी डिलीवरी के लिए कोई वहाँ मैटरनिटी होम्स हो करीब तरीन ना, क्योंकि अक्सर उनको फिर छकड़ों में डाल के वो दिन कितनी कितनी दूर ले जाते हैं, और खुदा ना जो दाइयों के पास चली जाती है, दाइयों के पास खराब हो जाते हैं, वो ये सारे मसले। उसमें कुछ कोशिश भी गवर्नमेंट की तरफ से हुई कि मिडवाइफ्स की ट्रेनिंग हुई, बेनजीर की एक स्कीम भी चली थी। तो आप वहाँ जाती रहती हैं, तो आपने ये कभी फर्क देखा है कि
चाहे आप लोग जितना भी हम मिडवाइव्स का कर लें, कुछ भी कर लें, लेकिन कुछ ऐसा तबका है जो अभी भी कहता नहीं दाई के पास जाएंगे तो सही होगा। हाँ, वो ट्रेडिशन तो चली आ रही है कि वो अभी भी ट्रस्ट करते हैं उन पे, लेकिन बात ये कि खुदा न खास्ता कॉम्प्लिकेटेड केस हो फिर तो दाई कुछ नहीं। देखिए, अगर नॉर्मल डिलीवरी है और दाई एक्सपीरियंसड है तो वो कर सकती है। क्या आपका फाउंडेशन इस चीज़ पे भी काम करता है, जैसे अगर हस्बैंड वाइफ की डिवोर्स हो गई है, चाइल्ड कस्टडी के लिए लड़कियाँ परेशान घूम रही होती हैं, नहीं कोई उनको सहारा मिल रहा होता, क्या आपका फाउंडेशन इस चीज़ के लिए? जी, वो हमारे पास आती हैं तो हम उन्हें रेफर करते हैं उन एनजीओस को जो लीगल राइट्स पे काम कर रही हैं, हम उनका कांटेक्ट उनसे कराते हैं और उनकी मदद भी करते हैं। बिल्कुल, कस्टडी के केसेस में और जो भी लीगल केसेस हैं उनमें। कोई सक्सेसफुल केसेस आपके ख्याल में अभी तक आपके याद हो आपको फाउंडेशन के? अभी पिछले दिनों हमारे पास एक जोड़ा आया था मतलब सिंध से, और वहाँ उनकी फैमिलीज में आपस में कत्ल वारत तक नौबत पहुँची हुई थी, तो हमने उनकी मदद की, उनको लीगल एड भी प्रोवाइड की, उनके साथ हम अदालतों में भी गए। फिर ये कि जैसे आपने कहा आजकल लोग खुद भी इतने कॉन्फिडेंट हो गए हैं, तो वो जो लड़का था वो जरा पढ़ा लिखा था, तो वो नेट पे सर्च वर्च करके और वो आपको बताया स्विट्जरलैंड निकल गया। हाय, कैसे ये कैसे वो उन्होंने खुद ही किया। अच्छा, वो उसमें आप लोगों के फाउंडेशन की कोई मार्का नहीं है? उन्होंने खुद ही सर्च वर्च करके अब केस उनका हम लोगों ने बनाया। देखिए यहाँ से देखे ना, अब एक बंदा पढ़ा लिखा था तो उसने इस चीज से निकलने के लिए बजाय इसके कि वो फंस गया वहाँ पे या लड़ाई झगड़ा किया, वो किस तरह उस चीज से उसने अपने आप को बाहर निकाला। और अभी उसने हमें फोटोज भी भेजी है अपने ऑस्ट्रेलिया की। स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड क्या बात है, मतलब स्विट्जरलैंड पहुंच गया। तो उनके प्रॉब्लम क्या था, उनके खानदान को प्रॉब्लम क्या थी कि उन्होंने शादी क्यों की है? शादी क्योंकि असल में वो लड़की पढ़ना चाह रही थी आगे और वो घर वाले पढ़ने नहीं दे रहे थे, तो वो भाग के। तो आप लोगों ने उनकी कैसे हेल्प की? आपने कहा वो तो खुद स्विट्जरलैंड चले गए, लेकिन कैसे? उससे पहले यहाँ अदालत में मुकदमों में हम उनके साथ गए अदालत में और उनकी पेशियों के में मतलब उनकी हेल्प की, उनके साथ गए। मतलब देखिए इतना सब कुछ सामने होता है फिर भी अभी तक वही चीजें चलती आ रही, कर ली शादी चले अब छोड़ दें इस बात को। मुझे समझ नहीं आती कि ये चीजें, असल में मीडिया से एक अवेयरनेस आई है लड़कियों में ना, तो वो वालदेन के इस तरह के रिश्ते कि वो कोई बूढ़ा है या खराब करेक्टर का है तो वो अब कबूल नहीं करती। सही। और अभी अभी फाउंडेशन के करंट प्रोजेक्ट्स क्या हैं, अभी आने वाले दिनों में आप लोग क्या क्या नई चीजें करने वाले हैं? हमारा एक बहुत हाई प्रोफाइल जो प्रोजेक्ट है वो लेजिस्लेटिव वॉच प्रोग्राम है, जिसमें हम असम्बलियों में जाते हैं और जो हमारे MPs वगैरह हैं इनसे रابطे करते हैं और इनसे हम कोशिश करते हैं कि प्रो वुमेन लॉज बनवाएं या कोई इस तरह के लीगल इश्यूज आ रहे हैं तो हम उनसे डिस्कस करते हैं, वो लोग हमारे प्रोग्राम से आते हैं और हम हमारे साथ कोऑपरेट करते हैं और इसमें हम न्यूज़लेटर भी निकालते हैं लेजिस्लेटिव वॉच अच्छा। का। और दूसरा हमारा जो एक इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट है वो यही है कि ये जो वायलेंस होता है इसका हम डेटा जमा करते हैं और इसकी रिपोर्ट हम नेशनल रिपोर्ट, मतलब जैसे हमने सिंध से जमा किया हमारे दूसरे ऑफिसर्स ने दूसरों सूबों में किया और फिर एक नेशनल रिपोर्ट हम करते हैं, तो वो भी एक एडवोकेसी टूल होती है जो हम जाके दिखाते हैं लोगों को कि देखें ये औरतों के साथ हो रहा है, इतने कत्ल हो रहे हैं, इतनी कारोकारी हो रही है, इतने गैंग रेप्स हो रहे हैं, तो वो भी एक एडवोकेसी टूल होता है जिसकी वजह से हमें अपना पॉइंट दूसरों को समझाने में और कानून बनवाने में मदद मिलती है। और एक तीसरा हमारा ग्रास रूट लेवल पे है जिसमें हम ये 30 अजला में पाकिस्तान के जो छोटी छोटी तंजीमों में छोटे छोटे काम कर रही हैं औरतें, उनमें लीडरशिप की सलाहियतें पैदा करने के लिए उनकी ट्रेनिंग कराना, उनकी मदद करना वो शामिल है। सही। आप कोई बात हमारे व्यूअर्स के लिए, लड़कियों के लिए कहना चाहें, औरतों के लिए, ख्वातीन के लिए, कि अपने अंदर कैसी मजबूती लाएं कि अगर कोई कल को प्रॉब्लम आती है तो उसको कैसे फेस किया जाए? बस मैं यही कहूंगी कि हक और इंसाफ के असूलों को अपनाएं, जो अपना हक है वो हासिल करने की कोशिश करें और जो आप समझती हैं कि आपको आपको मतलब दूसरों के साथ जो रवैया उसमें आप इंसाफ से काम लें और लेकिन अपने हक को ज़रूर हासिल करें, ना किसी के साथ नाइंसाफ़ी करें ना अपने साथ नाइंसाफ़ी। अच्छा देखें, कुछ देखें ये तो बात हो गई उन 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 ख़वातीन की जो थोड़ी अक्लमंद होती है, अब ऐसी भी कुछ बच्चियाँ होती हैं जो बालिग नहीं होती ना अकल होती हैं, उनको कोई बहका रहा होता है कि चलो जी शादी कर लेते ही कर लेते, उनके लिए मतलब कोई आपके फाउंडेशन में हेल्प है? देखिए ये तो कानून मौजूद है, मतलब आप छोटी उम्र की बच्चियों की शादी तो गैर कानूनी है, जुर्म है। सही। ये तो एक कानून बना हुआ है, तो वो अगर कोई भी ऐसे करता है तो उस वो तो जिसे भी पता चले। ऐसे कोई केसेस आपके पास आए हो छोटी बच्चियों के हवाले से?
वो तो सीधी सीधे पुलिस केस है, वो तो हम पुलिस को बताएंगे कि ये कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी की हेल्प कर रहे हो और अगले वाले आपसे आके लड़ना शुरू हो जाए कि आजी आप क्यों उनकी हेल्प कर रहे हैं, आपके फाउंडेशन की तो हम ऐसी की तैसी कर देंगे, ऐसे बहुत से केसेस आते होंगे। आमतौर पर हमारे साथ ऐसा इसलिए नहीं होता कि ये जो केसेस होते हैं ये रूरल एरिया से आते हैं, और अब आपको बताएं कि हमारे यहाँ रूरल अर्बन डिवाइड, और जैसे मैंने पहले कहा था कि ये क्लास सोसाइटी तो है ना, और ये स्टेटस के मसले तो है ना इस सोसाइटी में, तो एक रूरल एरिया से उठ के आदमी आए और कराची में आके किसी से लड़ना शुरू करे तो ये बहुत ही उसके लिए मुश्किल होगा, क्योंकि बहरहाल कराची कॉस्मोपॉलिटन सिटी है और जहाँ हम बैठे हैं, जहाँ हमारे 10 लोगों से कनेक्शन हैं, जहाँ हम पुलिस को भी जानते हैं, हम लॉयर्स को भी जानते हैं, फिर मीडिया हमारी हेल्प के लिए मौजूद है, तो इतना आसान नहीं है कि कोई आके हमें इस तरह से करे। ठीक है, और अब आपने अभी जो शुरू में एक बात की थी जब हमने शो स्टार्ट किया था आपके साथ, आपने कहा था कि मैं समझती हूँ, मैंने ये शो में भी बात की कि लड़कियाँ औरतें एक एज में आके कैसे अपने आप को सिक्योर कर सकती हैं, तो आप क्या समझती हैं कि घर बैठे भी औरतें अपने आप को कैसे सिक्योर करें, कोई टिप्स ऐसी हो? देखिए इसमें के बहुत से पहलू है ना, एक तो इक्तसादी पहलू है कि अगर आपके अपने हाथ में इनकम है ना, आपका अपना तो कुछ आप बिल्कुल अपनी जमा पूंजी रखें, आप उसे जमा करें तो आप इक्तसादी तौर पे मजबूत होंगे। सामाजिक तौर पे यही है कि आप यानी हम जैसी तंजीमें उनकी मदद करें और औरत को सही इज्जत दिलवाएं माशरे में, और फिर अपना रवैया भी होता है कि भाई आप खुद भी अपना रवैया ऐसा रखें, ठीक है जुल्म होते हैं बहुत, लेकिन ये कि अब वायरल चैनल्स ऐसे हैं जहाँ आप जा सकते हैं, जहाँ आप जा सकते हैं, आप बात कर सकते हैं, वही ना फ्रीडम ऑफ स्पीच है कि आप जो बोलना चाहें आप बोल सकते हैं। लेकिन अभी भी मैंने देखा है लड़कियां बेचारी थोड़ी सी रिलक्टेंट ही होती हैं, या उनको हिचकिचाहट होती है कि हम अपनी बात कैसे पहुंचाएं। मैंने ये भी देखा है कि बेचारियां डर के मारे नहीं बोलती, आवाज नहीं निकलती, बोल नहीं पाती क्योंकि अब आप देखें ना जिस माशरे में औरत को इसलिए तलाक हो जाए कि तुम्हें बेटियां क्यों पैदा हो रही, ये बताएं, ये एक बहुत बड़ा, ये कितना बड़ा मसला है। ऐसे केसेस कभी आपके पास आए? ऐसे इर्द गिर्द बिखरे हुए हैं केसेस, लेकिन एक होता है ना ज्यादातर, अब ये चीज मैं आपसे जो पूछना चाह रही हूँ कि कम हुई है या बढ़ रही है, लेकिन देखें आपने कहा तशद्दुद बढ़ रहा है, वायलेंस बढ़ रहा है, लेकिन देखें बेटी ना होना या ये चीजें, अब इतने प्रोग्राम्स होते हैं, इतनी अवेयरनेस हो गई है, इसकी इतनी एजुकेशन दी जा रही है, तो क्या ये कम हो गई या अभी भी वही लेवल है जो 25 साल से आप देखती आ रही है? अब इसमें एक चीज़ वो है कि शायद मीडिया की फ्रीडम अब ज़्यादा है और अवेयरनेस ज़्यादा है, तो इसलिए लोग ये चीज़ें ज़्यादा सामने ला रहे हैं, हो तो पहले भी रही थी, पहले छुप जाती थी ना, अब ये है कि अब ये चीज़ें सामने अब सामने आ जाती सामने आ जाती हैं, तो हमें लगता है कि ज़्यादा हो। आपकी कमेटी मेंबर्स कितने हैं, किस तरह कितने लोग हैं इस ऑर्गेनाइजेशन में? अच्छा देखिए हम चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, हम एडवोकेसी ऑर्गेनाइजेशन है, ये प्रोफेशनल फंड्स का क्या, ये प्रोफेशनल्स की ऑर्गेनाइजेशन है, और हमारे डोनर जैसे यूनाइटेड नेशंस के अदारे हैं, USAID है इस तरह के, और वो नॉर्वेजियन एक अदारे हैं, तो उन वो वहाँ से आपको फंडिंग हो जाती है जी, और आप लोग अपना मिल के कितना कर लेते हैं? नहीं हम बिल्कुल भी पाकिस्तान से, बिल्कुल भी पाकिस्तान से कोई सपोर्ट है ही नहीं? नहीं हम लेते भी नहीं। आप लेते ही नहीं है? नहीं लेते। अगर आप फर्ज करें आपको कुछ देना चाहते हैं, डोनेट करना चाहते हैं? नहीं हम नहीं लेते, सिर्फ हमने सैलाब में जो फ्लड आया था ना जी, अभी 2010 का जो फ्लड था उसमें हमने डोनेशन लिए थे और फिर उनकी चीजें खरीद के जाके। और आप मैनेज कर लेती हैं मतलब अपनी पर्सनल लाइफ को? और ये शुरू में जब बच्चे छोटे थे तो बहुत मुश्किल था, लेकिन मैं बहुत ही लकी थी कि मेरी अम्मी हमारे मतलब करीब थी और तो वो मैनेज हो जाता है। एक्चुअली हमारी सोसाइटी में ये बहुत मसला है, देखिए कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं है, जिनकी नानियां दादियां होती हैं उनके बच्चे कभी कभी नानियां भी नहीं रखती ना दादियां रखती हैं। अब जाहिर है मैं अपनी बच्ची के बच्चे कैसे रखूं हम, क्योंकि मैं फुल टाइम जॉब करती हूं। अब आपकी बच्ची मैरिड है जी हाँ, इसीलिए आप ये बात तो कर रही हूँ, कुछ में गिल्टी फीलिंग भी होती है क्योंकि मेरी माँ ने तो मेरे बच्चे पाल दिए, लेकिन मैं अपनी बच्ची की कोई हेल्प नहीं कर सकती क्योंकि मैं खुद एक फुल टाइम
सोशल वर्कर हैं तो आप भी नहीं रख सकती, लेकिन ये ज्यादती आपकी बेटी के साथ, उसे वो फैसिलिटी नहीं मिली जो मुझे मिल गई। लेकिन देखिए ये कितनी एक इंस्पिरेशन की बात है कि उन लड़कियों के लिए जो कुछ नहीं कर रही होती, आप वॉलंटियरली तो किसी के साथ काम करें। आपने उस टाइम पे ये सोचा कि आपने दूसरों के औरतों के लिए सोचा और आपने ये ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन की। हमारे यहाँ कितनी ऐसी बच्चियां हैं, औरतें हैं जो चाहती हैं कुछ करना, ठीक है आपके पास इतनी नॉलेज ना हो, आप इतने पढ़े लिखे नहीं, इसके लिए तो कोई डिग्रीज की जरूरत नहीं है। अच्छा मैं एक बात कहूंगी, लड़कियों को अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन अगर ये उनकी बेहतरी के लिए है कि अगर आप चाहती हैं कि आप काम करें, वर्किंग वुमेन आप बनना चाहती हैं, तो प्लीज प्लीज ज्वाइंट फैमिली सिस्टम में रहें, सासों से बना के रखें और सासों को भी चाहिए कि बहुओं से अच्छा सलूक करें। देखिए हमारे यहाँ कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं है, नहीं है ना, ज्वाइंट फैमिली इज द ओनली सपोर्ट सिस्टम। और फिर कमाने वाले फिर अब कौन है, डे केयर सेंटर्स, हाँ उनको देने से बेहतर है भैया आप फुफियों और दादियों को गिफ्ट्स दें, गिफ्ट्स और उसे अदब करें। इतना मजे से आपने बात को टर्न किया है, फॉरन आपने यू टर्न फॉरन किया है कि मैं ज्वाइंट फैमिली सिस्टम की वर्किंग वुमेन की खातिर उनके हक में हूँ, क्योंकि देखिए हमारे माशरे में और कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं, ट्रस्ट डेफिसिट इतना है कि आप डे केयर सेंटर्स में नहीं छोड़ सकते, आप मेड्स के ऊपर ज्यादा देर नहीं छोड़ सकते, पता नहीं क्या क्या खौफनाक। मैं तो शुक्र करती हूँ कि मेरी वालदा इधर होती हैं, तो चले मैं अपने बच्चे को अकेले तो नहीं छोड़ सकती, तो मुझे वहाँ उनके पास छोड़ना पड़ता है। कभी कभी मेरी अम्मी का भी मूड स्विंग्स होते हैं, वो भी कह देती है कि अब हर वक्त तो नहीं हमने संभालना बच्चों को। तो ये वाकई आप बिल्कुल ठीक कह रही है कि लड़कियों को थोड़ा अंदर चेंजेस, और उन लड़कियों के लिए बहुत जरूरी है। देखिए शादी से पहले काउंसलिंग होनी चाहिए कि अभी आइंदा आप दूसरे घर में जा रहे हैं, आपको उनसे अच्छी तरह रहना है ताकि वो आपसे अच्छी तरह। मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि आप एक इंस्पिरेशन है हमारे लिए, सबके लिए जो अभी हमें व्यूअर्स देख रहे हैं, कि आपने उस एज में ख्वातीन के लिए काम करना शुरू किया। सिर्फ उन लड़कियों को एक मैसेज ऐसा दें कि जो घर पे बैठी हैं, जो फारिग बैठी हैं, तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस को ज्वाइन करें ताकि दूसरों की हेल्प हो सके। बिल्कुल, आप अपने मोहल्ले में इर्द गिर्द आप देखें तो वहीं आपको ऐसे हजारों चीजें नजर आएंगी जिसमें आप हेल्प कर सकती हैं। और अब तो ये देखिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जमाना है, और अगर आप ये सीख लें थोड़ा सा इंटरनेट वगैरह कंप्यूटर पे, आप इतनी हेल्प कर सकती हैं, इतनी इंफॉर्मेशन आपको मिल सकती है, वो इंफॉर्मेशन आप आगे फैला सकती हैं। बिल्कुल, थैंक यू सो मच मेनाज, आपका आप शो पे आई, इट वाज प्लेजर टू हैव यू ऑन माय शो। और बहुत मैं दुआ करूंगी कि आपके फाउंडेशन को 25 साल हुए, बहुत साल हुए और अच्छे से अच्छा काम करें, और लड़कियों के लिए ये बहुत जरूरी है कि उनके लिए कोई जरूर स्टैंड लेने वाला हो। थैंक यू सो मच, उम्मीद है आपको शो पसंद आया होगा। आप लोग अपनी फीडबैक दे सकते हैं हमें मॉर्निंग मसाला @news1tv.tv पे, और मैसेज अस ऑन फेसबुक में मॉर्निंग मसाला फैन पेज पे हमें मैसेज कर सकते हैं, अपने सजेशंस दे सकते हैं, शो आपको कैसे लगे वो आप बता सकते हैं। मैं इंशाल्लाह आपसे एक नए शो के साथ मिलूंगी, अपना बहुत ख्याल रखें, खुदा हाफिज़।